गुड मॉर्निंग। ये हमारे स्क्वायर ट्रिक का सेकंड पार्ट है जिसमें हम सीखेंगे स्क्वायर उन नंबर का जो कि है 100 के पास, नियर 100। ठीक है, इसके पहले वीडियो हमने सीखा स्क्वायर उन नंबर का जो 50 के पास थे, पर इसमें हम सीखेंगे 100 के पास। जैसे नंबर हो गया 101 हो गया, 102 हो गया, 99 हो गया, 98 हो गया, 105 हो गया, सब नंबर के स्क्वायर बस एक सेकंड में। ठीक है, तो ये वीडियो लास्ट तक दिखेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 100 के मैं स्क्वायर करता हूँ। 100 का स्क्वायर इजी पड़ता है, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000, ठीक है। पर क्या करना है, स्टार्टिंग में क्या तीन नंबर मैंने लिया, क्या है 100 है। इस कारण जो हमारा इसमें जो बेस रहेगा, मेन बेस वो 100 रहेगा, और लास्ट के दो दो जीरो हैं ये, वो चेंज होते रहेंगे। जैसे हमने 25 सॉरी 50 के स्क्वायर में हमने लिया था 2500, 2500, तो ये क्या था, 25 हमारा मेन बेस था और दो नंबर क्या चेंज होते रह रहे थे। तो सेम इसी तरह 100 के स्क्वायर में 100 हमारा फिक्स्ड रहेगा और लास्ट के जो दो नंबर वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जांपल लेता हूँ 105 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा मेन बेस क्या है, ये चेक करना है 100 है, तो हमें चेक करना है ये 100 से कितना ज़्यादा या कितना कम है। लेकिन इस केस में ये 100 से कितना ज़्यादा है, 5, ठीक है, 5 ज़्यादा है। तो अब ये जितना 100 से ज़्यादा है उतना हमें ज़्यादा करना है मेन नंबर से, मतलब जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 5, तो मेन नंबर हमारा क्या है 105, उससे हम 5 ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 110। अब जितना हमें ज़्यादा किया है 5, ठीक है, उसका स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25, और रख देंगे यहाँ पे। आपका आंसर आ गया 11025, ठीक है। लिए एक और एग्जांपल लेते हैं 99 का स्क्वायर। अबे हम देखना है मेन हमारा जो बेस है 100 है, तो अब हमें देखना है कि ये 100 से कितना कम है। 100 से कितना कम है, एक कम है, ठीक है, 100 से एक कम हो गया। अब हम जितना 100 से कम किया उतना हमें कम करना है मेन बेस, मतलब मेन नंबर जो कि हमारा 99 है। तो मैं 99 से भी उतना कम कर दूंगा, तो 99-1 98 हो गया। और जितना हमने कम किया मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, पर 1 एक क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर है। और हमेशा याद रखिएगा सिंगल डिजिट नंबर को जीरो के साथ लिखते हैं। तो 1 आया तो मैं 1 को लिखूंगा 01, तो आपका ये हो गया आंसर। एक और देखते हैं 95 का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले देखना है यहाँ पे ये 100 से कितना कम है, ये हमारा जो मेन बेस है वो 100 है, तो ये 100 से कितना कम है, 5 कम है। तो जितना ये 100 से कम है उतना हमें कम करना है मेन नंबर, मतलब जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब 95। तो अगर मैं 95 से 5 कम करूँगा तो वो हो जाएगा 90, ठीक है, और 5 का स्क्वायर होता है 25, डायरेक्ट 9025 आंसर आपका। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 101 का स्क्वायर। हमें देखना ये 100 से कितना ज़्यादा या कितना कम है, तो ये 100 से एक ज़्यादा है, तो इस कारण हम 101 से भी एक ज़्यादा कर देंगे, तो वो हो जाएगा 102। और 1 का स्क्वायर होता है 1, पर 1 एक सिंगल डिजिट हो, मैं 01 लिखा के लिखूँगा, तो आपका ये आ गया आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख के देखते हैं, चलिए 98 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें देखना है ये 100 से कितना कम है, 2 कम है 100 से, ठीक है, उतना हमें 98 से भी 2 कम कर देना है। तो 98 से 2 कम करेंगे तो 96, और 2 का स्क्वायर होता है 4, पर 4 सिंगल डिजिट नंबर, तो मैं लगा लिखूँगा 04, तो आपका आ गया ये आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं 97 का स्क्वायर।
ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। उतना हमें कम करना है मेन नंबर, मतलब 97 से मेरे को कितना कम करना है, 93। तो ये हो गया 94, 3 का स्क्वायर 9, पर सिंगल डिजिट नंबर तो 0 के साथ 09। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 103 का स्क्वायर 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो 103 से अगर 103 में मैं 3 ज़्यादा करूँ तो ये आ जाएगा 106, और 3 का स्क्वायर 9, पर सिंगल डिजिट नंबर को लिखना है 0 के साथ, तो एक बार में आंसर आया। 104 का स्क्वायर देखते हैं, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो अगर मैं 104 में 4 ज़्यादा करूँ तो आ जाएगा 108, और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, ऐसे। चलिए एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, 110, ठीक है। अब देखना ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ये 10 ज़्यादा है, ठीक है। तो मेन नंबर से भी हमें 10 ज़्यादा करना है, तो ये हो जाएगा 120, और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो हमें अब कैसे करना है, अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर आ जाए, ठीक है, 3 डिजिट नंबर को हमें कैसे हैंडल करना है, क्या करना है आपको, 100 आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, 12100, मतलब क्या है आपका 120 तो आ गया, आपके पास दो डिजिट बच रहे हैं। तो क्या करना है आपको, नंबर को ऐसे लिखना है, मतलब एक बढ़ा के, अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो क्या होगा, अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो क्या, एक नंबर बढ़ जाएगा पीछे, पर हमें पीछे नहीं बढ़ाना, आगे लिख देना है। तो मैं एक नंबर यहाँ लिख दूंगा तो ये आ जाएगा 12100, ठीक है। जैसे मेरा मानिए 111 का मैं स्क्वायर करता हूँ, ये कितना ज़्यादा 11, तो 101 से मैं 11 ज़्यादा करूँगा तो ये आ जाएगा 122, और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो मैं एक वन यहाँ रखूँगा, टू यहाँ रखूँगा, वन यहाँ रखूँगा, आपको प्लस कर दूँगा, ये टू टू में 13, 12321 आपका आंसर आ गया। बस क्या करना है, सिंगल डिजिट नंबर को 0 के साथ लिखना है, और 2 डिजिट नंबर को डायरेक्ट लिख देना है, और 3 डिजिट नंबर को एक आगे करके लिखना है, मतलब क्योंकि हमारे पास दो स्पेसेस बचते हैं तो एक स्पेस हमें आगे करके लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब, और अगर आप एक NTSC एस्पिरेंट है तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हम NTSC की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। थैंक यू।